पाकिस्तान तो आए हैं असी 1980 दे विच। लाड़स पिखावरत कमिस्तोर माल रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना दसलोर माल रावड़ा। इन्हें कहने का मतलब है, वो कहते जी भी पिशावर एक शहर सी गया साडा उत्थे, वो कहते भी पिशावर जाके ना भाई मेरे वास्ते ना गुलाब दे फुल ले आई, कमीज तोर काली कमीज ले आके गुलाब दे फुल ले आई। इन्होंने मतलब यह है कि लोगों के दिल च पाया कि भाई हिंदू जड़े हैं ना वो साढ़े दुश्मन है, ये एक नीच कौम है। तो इस तरीके दे नाल थोड़ी बहुत नफरत सन पैंठी नहीं तो उतरते लोग बड़े सीधे साधे बड़े शानदार मेहमान नवाज यार दोस्ती निभाण वाले बंदे से। जमा शरी न जान जजार शुमलता न मम शड़ल जान कुर्बान दे शमा वसलाम वसलाम पस्तर गो देवी। मैं उत्थे पाकिस्तान च स्कूल टीचर से, हाँ स्कूल टीचर उस टाइम दा माहौल से सन 72 च मैं मेरी नौकरी लगी सी उत्थे। उस टाइम मैं मैट्रिक क्लियर कर लिया सी, फिर उसके बाद एक अपना एफए कहंदे इम्तिहान एग्जाम से वो क्लियर करके फिर मेरी टीचर दी नौकरी लग गई सी। बड़ा अच्छा माहौल सी उस टाइम, बड़े चंगे यार दोस्त सी, ते उत्थों दा वातावरण बहुत शानदार सी उस टाइम। ये तालिबान जड़े आ गए इन्हां दे विच फिर उग्रवाद आ गया, उग्रवाद आ गया, नफरतां फैल गईयां, हिंदू कौम नूं नीच ते ना काफर कहण लग पए। ते उहदे बाद माहौल चलदा रहा सन 72 दी अपना बंगलादेश वाली लड़ाई हुई, उहदे बाद नफरतां होर ज़्यादा वध गईयां हिंदुआं दे मुतालिक। फिर उहदे बाद क्या होया, उत्थे दे माहौल दे मुताबिक बड़े चंगे लोग सी, बड़े चंगे मिलनसार यार दोस्त सी साडे, साडा बचपन उत्थे बीतिया, जवानी उत्थे आई है। उहदे बाद असी मतलब पढ़े लिखे उधर हैं, उत्थे सानू गवर्नमेंट जॉब भी छेती मिल जांदा सी क्योंकि साडा कोटा हुंदा सी हिंदुआं दा अलग, ईसाई हिंदू ईसाई क्रिश्चन जिहड़े वगैरह हैं इन्हां दा अलग कोटा हुंदा सी सरकारी। ते जे साढ़े नाल कोई भेदभाव सरकार नहीं करती सी। फिर उहदे बाद गुंडागर्दी शुरू हो गई, रात नूं हिंदुआं दे घर दे विच गऊ दा मांस सुट जाणा, हिंदुआं दे छोटे बच्चों नूं किडनैप कर लेना, उन्हां नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाना। फिर उस टाइम दा माहौल जद सी, साढ़े घर दी औरतां कुड़ियां ए स्कूल नहीं पढ़दी सी, नाले बच्चे पढ़दे सी, ते कोई जनानी घरों बाहर नहीं निकलती सी, जे निकलती भी तो बुरका पा के निकलती ताकि किसी के शक च ना आवे कि भई ये हिंदू औरत है। मैं हिंदू कौम जखा ताल्लुक दे द्रेनियम के 1993 के जै पाकिस्तान जखा डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान लोरलाई जखा रागलम हाँ के बाबरी मस्जिद दुई दगा कड़ी हालात से ख़राब से हो के जराकलम इसमें नैन पूरा गवर्नमेंट पमुस बंदे दगा न दिखे नोना नैन इसमें बच्चे जमा दल तिरागलम माँ वादा वो कले माँ सारा कारोबार नस्ता यानी जै दगा देर बे रोजगार एम जै दगा सारा गवर्नमेंट सर अपील को हम से पार नो रिश शहन से पकार मुश्त से देना यो नेशनलिटी रा के यानी नैन जै हिंदुस्तानी जोड़ सम जै हालात जै हक द्रवश में धन नेंडी द्रेम वाला से बस दगम से हर सो गुजार यानी जड़ा जखा खोफ राजी से हगा हालात से शिकारा वो कम तास होता नोर हो बाद डेर बार मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट तब अपील मकड़े दी मुझते नेशनल डेरा का हो नहीं पर मुझ बंद गौर न दिखे नोर जगह खुद मोदी साहब से दगा जै अपील कहो मैं से दगा चैनल वाला तो सर डेर शुक्र गुजार है से दुई राखा ले दी उन्होंने गौर से दुई इसमें आवरी के नहीं आवरी। संताली से इतने ना आवन का कारण साढ़ा यह है कि उस टाइम जिस टाइम हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान के असा पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर लोरा लाई तो 100-150 किलोमीटर दूर आते हैं पिंड के जिस टाइम साढ़े सारे परिवार बुजुर्ग जो सकूड़े सैन आए हैं
तो रस्ते दे विच जिथे साडी रात को स्टे है या जो भी रुके हैं जिथे भी रुके हो ना तो उतना रात को हल्ला पै गया, हल्ला पै गया लोगों ने रात को साडे जिहड़े कबीले हैं रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं बुजुर्ग हैं लुट खसुट की उन्हें उन्हें तो हमला कर दिया उन्हें तो सारे उठे बिछड़ गए अफड़ा तफड़ी मै गई जो साडे परिवार के कुछ परिवार हैं साडे जिहड़े असां हुण ऐसे असी च वो पिछू वापस अपने शहर चले गए। शहर जो पहुँचे तो वह जो सारे हैं सहचार है उस टाइम चंगा माहौल भी है अच्छे भी हैं बंदे माड़े भी हैं बंदे कोई ऐसी गल नहीं वो जो बंदे सारे हैं उन्होंने उन्होंने रख किया अपने को वापस चलो जो सारे बुजुर्ग उतने रावण लग गए उतना जिस तरह सारे बुजुर्ग रहे रहा रहा जी माहौल शांत थी थोड़ा जहा ठंडा थी गया तो दो चार साल बाद जो रिश्तेदार साढ़े जो सारे शहर वाले हैं इंडिया आए हैं उन्होंने एक बंदा वो वापस पाकिस्तान आया जो पाकिस्तान आया अपने शहर आया तो पता चलिया उन्हें डिटेल उन्होंने यह समझा भी जोड़े सारे परिवार विछड़ गए बी उन्होंने को मार सटे वो सगो मरया हुआ समझ गए बई वो तो मर गए खत्म थे गए क्या पता कितना नहीं सारे वास्ते यही आई भी जोड़े परिवार सारे को विछड़ गए सारे बुजुर्गों वास्ते वो मर गए असा तो यह समझ गए उसे क्या गया जब वो बंदा आया वापस उन्हें आके सगो दसिया भी जोड़े साढ़े रिश्तेदार हैं फलाना फलाना बंदा ये बच गया असा ही उड़े चले गए उस एक बजे हाल अहवाल वंडे ने तो भई असा पाकिस्तान अपना हिंदुस्तान जोड़ा पंजाब है उत्तर पटियाला जिला पटियाले जिले एक माणकपुर पिंड है भी उत्थ रहा पैसे चलो उन्होंने एड्रेस उड्रेस दिता वो रहा रुया आके वापस चला गया क्यों वो इंडियन पासपोर्ट से आए ही आप पाकिस्तानी बिड़े गए क्यों असर 47 आए ना असर पाकिस्तानी रह गए उसे वो जो रिश्तेदारी सारा वो इंडिया पुज गया वो इंडियन पासपोर्ट से उत्तर पाकिस्तान आया वो जी मैं खंडू जो भी रहा उत वापस आ गया इंडिया आया सगो रिश्तेदारी का पता चलिया उनके बाद सारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सोचा भी हूँ क्या करें सूँ चलो माहौल ठीक थी गए हूँ कोई ऐसी गल तो है कोई ना भी चलो आप इतनी पाकिस्तान ही रहते भी आपको कोई लौड़ ही कौन इंडिया मिलन की उन्होंने ये सोचा लेकिन यह पता कौन है भी आवन वाला समा क्या जाती सी आवन वाले बाद क्या थी सी बच्चों जब लड़कियों अगवा कर लग गए जबरदस्ती मुसलमान बना लग गए बच्चों स्कूल तंग कर लग गए जोड़े मुसलमान बच्चे ये साढ़ा भतीजा है वो दूजा भी साढ़ा भतीजा सी ये जब स्कूल पढ़ते सी ना एक मुंडे ने मेरे भतीजे की है शेरां वाली गंदी बकवास गालां गूलां कढ़न लग पे तो आपस में दो बच्चे लड़ पे उन्हें चाकू मार दिता उन्हें एक दूजे ते हाली हस्पताल सी ते ओ जमाना ते छुट भी गया इस तरह मतलब भेदभाव सी बहुत एक गाल मैं तो कोई ऐसी दसा जी कि जिंदगी दे विच मरदे दम तक मुल सी 40 साल थी यानी गाल को इंडिया च आए हो सकूँ 40-42 साल थी 80 च आए से असा अज ही गाल को 42 साल थी लेकिन गाल इवें लगती भी हुणे थी मेरे नाल मेरी मासी आई असा परिवार आंदे से कट्ठा 80 दे विच साडे नाल ऐसी पोजीशन आई मेरी मासी दी लड़की उतां गैस सिलेंडर दी सप्लाई थी गैस सिलेंडर नाल उनको अग लग गई गैस सिलेंडर फटिया अग लग गई इतना सिलेंडर दी सप्लाई होणा दी पई है अपने राजबरेज अज डायरैक्ट सप्लाई देते पाकिस्तान 50 साल पहले सप्लाई होंगी आई तो अग लग गई अग लगने के बाद मैं छोटा जहाँ हूँ मैं सबको पता तो होता नहीं इन्ना ज्यादा भी क्या है क्या नहीं मेरे को वीडी आई मेरी सिस्टर आई मासी दी असा चाह कहने उदोते पानी चाह सटे उसे पानी सटे उसे कुछ आ गए हस्पताल गिन के उसे एंबूलेंस आई एंबूलेंस बिठा गया हस्पताल गिन के उसे मरदे दम तक मुसलमाना ने सारा जीवन हराम करके रखे हुआ आई वो आखिर जी ये लड़की मुसलमान थी गई आई धक्के थे भी मुसलमान थी गई इन्होंने हिंदुआ ने अग ला दी है एक तो सर लड़की चली गई एक किसी को परेशान किया कि तुमने भी धक्के थे सर उसे भी ऐसे आप खड़ा करे तुमने चलो ऊ टाइम कुछ चंगे पतवंते सज्जन हैं जिन्होंने विच पै के माहौल को ठंडा करने की कोशिश की बई एक तो उन्होंने लड़की मर गई है उनके बाद उनके कुछ दिन बाद उनकी डैथ थी आई डैथ भी मेरे हाथों थी मैं छोटा जहाँ मेरे को याद है मैं भूलिया नहीं वो गल जोड़ा उतों का एक साढ़े शहर का एक SHO आई वो पठान आई ज्यादा पठान आई बहुत अच्छा बंदा आई उनका नाम मजीद आई मैंने भूलिया नहीं मजीद आई मजीद थानेदार आई मैं उनका नाम नहीं भूलिया अज तक क्यों उन्हें सारी बड़ी मदद की आई तो उन्हें क्या किया जी सकूँ प्रोटेक्शन दी पुलिस कहते संस्कार वास्ते असा संस्कार करन चले गए उसे शमशान के शमशान चले गए उसे तो आले जितना सारा शमशान आई वो पहाड़ी इलाके के बीच आई पहाड़ है चारे पास पहाड़िया पहाड़े के बीच आई जिम्मे कंडा आई दरिया का उतना मतलब बरसाती नाला उन्दे कंडे ते आई उन्दे कंडे ते आई जे असं उत्तर बैठे उसे संस्कार करने वास्ते तो क्या थे जेडे मुसलमान है ना नेड़े तेड़े बिल्कुल पहाड़ों उत्ते आ गए बह गए जिम्मे मदारी का मेला चलता पाया हुआ साडा जी जला गया असं संस्कार करना बैठे से वो जी उ ड्रामा करना लगे लोगों ने असा शाम तक बैठे रह गए उसे संस्कार थे संस्कार करने के बाद साड़ी जी हिंदू बिरादरी आई जिन्हें परिवार से कुछ साढ़े जो बलुचिस्तान वाले असा से वो असा जी घर आ गए से घर आए से तो जिम्मे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सवेरे
बंदा वेंदे दोबारा देखने वेंदे भी संस्कार थी गए ठीक थे या नहीं थे जो भी जिस टाइम असं उतना दोबारा गए से तो असं नल जुर्म गया थे जी सारी भेंट की अर्थी आई अध जली अर्थी चिता तो बार पी यानी कि सारी रात उनका संस्कार नहीं थी सके दाह संस्कार नहीं थी सके चिता तो बार पी रहेगी सारी रात सवेरे वल असं गए से वल वल लकड़ा इकट्ठे करके दोबारा उनका संस्कार कितों से इकट्ठे कितों से पुलिस पुलिस बैठी रहेगी जब तक पूरा संस्कार नहीं थी गया सारी हिंदू बरादरी उतना बैठी रहेगी वो मन चुभी है साड़ी गल भी जब असं जींद जीते से काफर कहने जब जीवन के बाद मरण के भी असर को इतना हक कोई नहीं भी सारी अर्थे नाल भी ये काम थी तो इतना रावण का क्या फायदा अपना वतन किमें याद नहीं आता याद किमें आसी हस्पताल वेंदे से नफरत डॉक्टर इलाज कहना करें दाई क्योंकि हिंदू है मैं गया नाई को शेव करावन उतर जी रिवाज अस्सलाम वालेकुम मैं भी अस्सलाम वालेकुम आके हिंदू देख हरामी को देख अस्सलाम वालेकुम थप्पड़ मार के बाहर कर देता शेव करना की क्या नफरत याद आसी असर दिल नहीं करना मंजर दो क्या उस वजह होटल जान कहने भाव हिंदू है काफर है क्या जिंदगी है कुत्ते वाली जिंदगी है जिंदगी उत्थे जड़ी है ना बहुत औखी हो गई मुश्किल हो गई असी मन नहीं सोचा उस टाइम मैं टीचर सी मेरी सरकारी नौकरी सी सारा कुछ सी घर परिवार सारा मैं मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं सी पाकिस्तान मेरे चंगे यार दोस्त सी मित्र सी मेरा देश सी उस टाइम क्योंकि मैं उत्थे मेरा जन्म होया मेरी जन्म भूमि हुई है और उसके बाद जब इस तरह का माहौल आ गया तो फिर मैंने अपना अपने घर का अपने बच्चों का भविष्य अंधकार लगन लग गया बच्चे लड़कियों को अगवा कर लेंदे सी घर च रात नू डर के असी बाहर नहीं सी निकलते घर के अंदर गऊ मास और उल्टी सीधी हरकत करते जिद नालू तंग होकर अपने दिल च असी सोचा कि भाई ये जीना जड़ा ना कोई जीना नहीं है तो यह सोच के मैं अपने सारे परिवार नू सन 1980 दिसंबर का महीना सी इन्हें सारे दे पासपोर्ट बनवाए ये हाली स्कूल पढ़ते सी बच्चे सी ते इन्हां नू ले के मैं इंडिया आ गया इंडिया दे च एक रूल सी कि पहले तो सानू ये महीने तीन महीने का वीज़ा मिलता सी इधर आके फिर एक रूल सी कि भाई जेड़ा बंदा नहीं जाना चाहता वो LTV दी अप्लाई करे LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा तो उहदी असी अप्लाई कर दिती वो वीज़े की मंजूरी जब आती है तो वह एक साल वास्ते वैलिड होता है एक साल के बाद फिर दूजे साल फिर वो अप्लाई करनी पैंदी है पाँच साल के बाद गवर्नमेंट ला के मुताबिक पाँच साल के बाद सानू नैशनैलिटी लैन का हक हक मिलता है उस पाँच साल साड़ी खुफिया पुलिस पुलिस और CID वाले ये इंक्वायरी करते हैं कि भाई ये बंदा कितने जाता है क्या काम कर रहा है क्या कर रहा है ये कोई देश के विरुद्ध इंडिया के देश के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई तो नहीं है वो साढ़े उत्ते नज़र रखते हैं फिर वो सानू रिपोर्ट देंगे ये एक NOC होंगी है मतलब जो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस रिपोर्ट दे वो दिखा के असी फिर सानू जड़ा नैशनैलिटी लैन का हक होंगे तो उस टाइम नैशनैलिटी लैन वास्ते मैं अप्लाई की हुई सी पर वो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि साढ़े कोई पैसा नहीं सी और कोई अफसर उफसर पैसे मंगते सी ते थोड़ा जहा कम लेट हो गया ते सानू 2001 उस टाइम फिर मैं असी जो है ना मैं अपने परिवार नू लेके उस टाइम BJP सी मैं अपने परिवार नू लेके उस टाइम दी गल कर रही ते उधर गया ते वो अडवाणी जी जड़ा ना उहदी मुलाकात दा टाइम हुंदा सी पहले उहदे PA नू मिलना पैंदा सी फिर तीन दिन बाद साडा नंबर आया नंबर दे हिसाब नाल चलदा तीन दिन असी शीशगंज गुरुद्वारे च रह गए अपना अरदास करदे सी मत्था टेकदे सी कहंदे सी कि हे परमात्मा सानू नैशनैलिटी मिल जावे बहुत अच्छा होएगा लाए इंटरनेशनल लाए उहदे च तो कोई दिक्कत नहीं है असी LT वीज़े दी अप्लाई करती उहदे विच असी स्पेशल यही लिखिया भी अवर रिलीव जी सी जिंदगी है धर्म है रिलीजन है भी खतरा है पाकिस्तान भी अपना नहीं मिलने चाहते इस बेस से सू स्टे मिल गई साल की साल करते रहे उसके बाद सिटीजनशिप का केस पता सिटीजनशिप का केस वेरीफाई होंगे काफ़ी टाइम लगे फिर पंजाब सरकार ने आपको NOC दी NOC मिलने के बाद आपको सेंटर ने दे दी 2002 अडवाणी जी होम मिनिस्टर होंगे उस टाइम सबको सिटीजनशिप मिली है।
बाबरी कांड जिस टाइम होया तो उत्थे दा माहौल खराब हो गया। उत्थे कुछ शरारती अंसरां ने ना मंदिर नूं अग लाती सी। उहदे विच साढ़े चार जी शहीद होए सीगे। साढ़े परिवार के जो भी सीगे हिंदू फैमिली सीगी साडी, उत्थे चार बंदे सड़ गए सीगे, शहीद होए सी। इस न्यूज़ स्पेशल BBC ते भी चली सी 1992 दे जद पाकिस्तान दे दंगे होए ना बाबरी मस्जिद के बाद, उत्थे फिर चार जी साढ़े चले सीगे। उन्हां दी जिहड़ी जिहड़े बंदे दो फैमिली दो बच्चे मरे सीगे वो इस टाइम उदयपुर है, वो फैमिली उदयपुर दे जाए वो भी निकल है उधर उदयपुर है। हुण मतलब कहण दा मतलब यह है कि भाई पाकिस्तान दे विच असी जद माहौल चंगा सी कदी दुखी नहीं हो, जद माहौल बिगड़ गया तो साडा जीना बड़ा औखा हो गया, जीना औखा हो गया। उहदे बाद साडे रिश्तेदार सी, भैण मेरी सक्की सी, जीजा सी, होर रिश्तेदार जितने भी सी छड़ के आए, उन्हां नूं छड्डण दा दुख हुंदा है, उन्हां नूं छड्ड दित्ता समझो अज तक नहीं मिल सके। साडी भैण गुजर गई, जे आपां वापस जांदे डरदे सी किथे गवर्नमेंट पाकिस्तान कोई साडे उत्ते एक्शन ना ले लेवे। ये साडे नाल इक जुल्म विया भी थी पाकिस्तान दे विच, जिहड़े साडे हिंदू परिवार हन, साडी हिंदू प्रॉपर्टी आई जो भी आई वो क्या थिया, जिस टाइम पाकिस्तान की जिहड़ी सरकार बनी उन्हें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख लिता, उन्हें क्या किया जिहड़ी हिंदू प्रॉपर्टी आई वो सारी वक्फ बोर्ड के अंडर कर दिता, सारी प्रॉपर्टी जिदा जो भी साड़ी बुजुर्ग है वो वक्फ बोर्ड के अंडर चली गई, या जिहड़ी माड़ी मोटी बच्ची आई कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर दिया, जिहड़े जिन्हां दे धक्के आई कब्जा करके उन्हें, कई शहर ऐसे हैं जिहड़े बिल्कुल खाली थी गए साडे वो सरकार के अंदर आ गए, उतां कोई हिंदुस्तान की हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं रही। जिहड़े बे हन साडे रिश्तेदार या असां जिहड़े रह गए साडी प्रॉपर्टी भी जो ये वक्फ बोर्ड के अंडर आई, ना हिंदुओं दी हिंदू पंचायत अगर आई, लेकिन जगह रजिस्ट्री जो मलकियत वक्फ बोर्ड को चली गई। हिंदुस्तान वेसूँ भुखे मरूँ अपने अपना देश है रहूँ जो थी सी थी आवे, असा जी टूरिस्ट वीज़ा गिन कने इंडिया पुज गए से। इंडिया ऐसे सिर्फ चार कपड़े में या जो कंबल शंबल या चादर जो भी हैं साढ़े नाल कोई जायदाद नहीं कुछ नहीं, सारा कुछ उतें छोड़ के आए थे जिमें आई उ छोड़ा से उतना सारी बे रिश्तेदार भी हैं, चलो उन्हें हवाले करके असर इंडिया पुजे से। इंडिया आने के बाद असं माणकपुरे चले गए से, माणकपुरे के बच्चे असर रहे से थोड़ा जहा समा, उसके बाद असर राज भी रहे से अपनी रोजी रोटी कमाइए, अज तक कमाते पे हैं लगे हुए हैं, अपना परिवार है सारा परिवार दे। उसके बाद 2002 के बच्चे सकूँ सिटीजनशिप मिली है, आप केस लड़े हैं इतनी सरकार लड़ते रह गए, अपना पक्ष रखे से 80 तो लेके 2002 तक 22 साल बाद सिटीजनशिप मिली है। वो डू पार्ट है, एक बलोची है एक पश्तून है। आप जो असर रेंदे से ना असर रेंदे से बलोचियां ना रेंदे, असर पठाना च रेंदे से, पश्तो आती है जरूर पश्तो जरूर आती है पर बलोची नहीं आती। मैं उस टाइम 21 साल दी, मेरे को 3-4 साल बड़े मेरे बड़े भाई साहब पढ़ते उर्दू असं लिखते ही उर्दू सू कुछ आती नहीं हिंदी पंजाबी आती है गुरमुखी आती है हूँ अगर इतने गए वैसे तो उसे उर्दू ही पढ़ते असें पढ़ते भी उर्दू वैसे लिखते भी उर्दू वैसे। बुजुर्गों का कहना है कि जी एक घोसला भी आप पक्षी का तोड़ दईए ना उन्होंने बनाने से समा लगता है, आप तो एक देश छड़ के आए थे इतने आके असं रहे हैं सानू पता भी असं किवें रहे हैं किवें माहौल सीगा क्या सी कितनी मेहनत करनी पैगी सानू। सब तो पहली गल सी असी उस टाइम उत्थे जिहड़ी साडी बोली सीगी सरायकी सीगी असी उत्थे रहिंदे सी बलोचिस्तान सीगे पश्तो दे विच सानू इत्थे जद पंजाब विच आए पंजाब दा माहौल और पाकिस्तान दे बलोचिस्तान दा माहौल जमीन आसमान दा फर्क है, बहुत फर्क है उत्थे दा रहन सहन नेचर हिसाब किताब बोली हर चीज़ फर्क सीगा। सानू इत्थे पहले उपरा लग्या बहुत उपरा लग्या भी पता नहीं कित्थे आ गए क्या आ गए, पर एक मन च सीगा भई आपां उत्थों निकल गए हैं हुण जीवन मरण सब इत्थे है जो होएगा। जिस टाइम मैं लाहौर तो अमृतसर पुजे स्टेशन तो निकल गए हरिमंदर साहब मत्था टेकया, उस टाइम सब कुछ भुल गए पाकिस्तान का भी क्या है क्या नहीं, मन शांत थी गया इतना आ गए रह गए पंजाब के विच, आज तक ये याद नहीं आया मुड़ के भी पाकिस्तान क्या है। ठीक है जन्मभूमि बंदा भुलता नहीं, जन्मभूमि याद रहती है। हुण मेरे यार दोस्त हैं जिहड़े दू चार हैं अयाज मोहम्मद डॉक्टर है, मोहम्मद रफी आई मेरा, एक तारक मोहम्मद आई मेरे दोस्त हैं, अब्दुल बाकी आई, एक मेरा दोस्त है मैं भूल गया वो याद रख रहा उन्हें मैंने मैं भूल गया बचपन की गल, उन्हें चिट्ठियाँ भेजा फोन भी आए हूँ साढ़े को हूँ व्हाट्सएप फोन भी आते कई कई बार 40 साल तो पहले मैं बचपन उत्थे भी गुजारिया अपना जवानी हाली आई नहीं सी शुरू से असं इतने आए थे 40 साल पहले जब मेरे यार दोस्त क्लास फेरे से सा बचपन ही सगा बचपन के दोस्त सके पर उन्होंने माँ बाप ही सके उस बच्चे प्यार करते
कुछ फैमिलिया कुछ साढ़े को साढ़े नफरत करते थे भाई हिंदू आया इन बाहर कटो काफर है भाई साढ़े बर्तन जूठे करते या साढ़ा फलाने चीज़ करती भी ये करती यह जी फैमिली भी सी वह भी फैमिलियाँ सी जे साढ़े बच्चे कट्ठे एक बिस्तर बैठ के खेडते थे साढ़े नाल कोई फर्क नहीं रहता है बिल्कुल है पर बंदे नू हमेशा हड़बीती याद रहती जग बीती याद नहीं रहती साढ़े नाल हड़बीती सानू याद है कली कली चीज़ याद साढ़े नाल क्या हो जग बीती जग बीती दुनिया ना हो क्या हो एक कहावत कहानियाँ पढ़ती है पर साढ़े नाल हड़बीती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर अपील को हमें मुझदा का लास्ट जोड़ो उसे मुझला खुदा लपा रहा या भगवान लपा रहा यो मुझ हम हिंदवान हो इस मुझला ख्वा हम वो गोरास्ते नो ज़्यादा कम से मुझे ने शल्डे रहा कि जमा बच्चे आन दी सुबह मुझ तो ढेर प्रॉब्लम राजी प्रॉब्लम दगा राजी से ज़रा यो इसमा नुम नस्ता जमा बच्चे सुबह नौकरी की गवर्नमेंट जॉब की यहाँ के इसमा बच्चे नुम इसमा नुम बने बोले से जरा पाकिस्तान जा खरा गल नोर दुई बे दगा या इस बच्चे तब हिंदु तब पाकिस्तान जगह पिलार दे पाकिस्तान दी बच्चे में हिंदुस्तान दी नो जगह बंदे में आते ढेर प्रॉब्लम राजी सदा खुदा अपील कहो मैं तब सरा द गवर्नमेंट सर अपील को मैं मुश्किल ने शल्टी रहा कि इसमें वादा से भी दी इसमें बच्चे आन दी इसमें दो बच्चे आन दी यो लुर दे यो जुए दी ने इसमें जुए से दे यो विस्त का लगा दी लुर में स्वर लसम का लगा दी वादा में दिल तो हिंदुस्तान के मखड़ी दी नो बस द कम जदा दानश दा चैनल वाला का दिल शुक्र गुजार हम बस दगो सर द अपील को मैं खुदा मुझ तो दगा दगा पर शल्टी रहा कि बस मुझ नोर गवर्नमेंट सर ही न गुआड़ू दगा गुआड़ू से मुझे ने शल्टी रहा कि बस आखिर बसुम दे माना मशड़ल जाना जमा शरी न जाना मशड़ल जाना जजार शुमलताना कुर्बान दे शमा यदि हिंदी दसा ओ माशूका अपने आशिक नु कह दिया है कि तू मेरे वास्ते शहद नालों ज़्यादा मीठा है ते मैनू अपने तू वख ना कर ते तू तेरी अखां दी मतलब मैनू सट लग गई है अंदर मन च ते जे तू मैं तेरे तू वख हो गई ते मैं तेरे बिना नहीं जी सकता केड़ी बोली पश्तो भाषा